कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। क्यों? तुम यही रहो, तुम जो हो ना बस फिल्मिंग में लगी हुई और कुछ नहीं कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, आज हम जा रहे हैं सेंटर आइलैंड। हम आ गए हैं टिम होटल। हम लोग जब भी कहीं के लिए निकलते तो हम टिम होटल में रहते हैं। ये मेरे साथ मुबीना बैठी हुई है। मुबीना को आइस कैप बहुत पसंद है। तो हमने अपनी आइस कैप लेनी है यहाँ से। ये मैं आपको पीकर दिखाती हूँ थोड़ी देर। कैसी है? बहुत मजे की। ठीक है, फिर हम वहाँ पहुँच कर आपको बताते हैं। यहाँ पहुँच गए हैं सेंटर आइलैंड में। यहाँ से हम अब टिकट लेंगे। आज हम वो फेरी पर ही बैठे, अब हम टैक्सी पे बैठे हैं। येलो कलर की साइड पे नजर आ रही है, तो आज हम इसमें बैठेंगे। तो आज हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि ये क्या है। आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड, अभी हम जब अंदर जाएंगे तो आपको। तो अब हम बैठ गए हैं वो टैक्सी में जो हमें सेंटर आइलैंड लेकर जाएगी। वो फेमस से ज्यादा इसमें बता रहे हैं, मैंने अंडा इसमें बैठ गया। तो अब हम जा रहे हैं, हमने साइकिलिंग करनी है यहाँ पे, और मैंने उसी के लिए मैं मेन आई हूँ यहाँ पे कि मुझे साइकिलिंग टूर करना है यहाँ पे। लास्ट टाइम ये मुबीना गई थी तो उसने बताया था, इनको बताया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सामने सीएन टावर और सारी बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत मंजर था यहाँ पे। और हम लोग अब जा रहे हैं साइकिलिंग के रास्ते पे हैं, तो वो हमारा रास्ता है। नहीं, यहाँ पे जाना है। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं अंदर इनसाइड पर, और ये यहाँ देखिए सारे बाबा जी। तो वो मुझे ना, वो कौन सी बस है? मुझे रेड वाली आ रही है। वो ट्रेन है, राइड है। ये यहाँ पर आके लेनी पड़ती है। हाँ, अच्छा, चलो फिर हम चलते हैं वहाँ पे। आगे वहाँ जाना है। यहाँ पे बहुत मतलब पुरसकून एरिया है, और मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ क्योंकि ज़रा चल के आए, तो मैं थोड़ा सा सांस ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं घूम जाएंगे और देखेंगे कहाँ से हमें राइड मिली है। तो अंदर का शिकर है कि बहुत अच्छा प्लेस है। तो ठीक है, अब चलते हैं, वेट हो गया। चलते चलते मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि मैं ये भी अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। फाइनली हमें अपनी साइकिल वाली राइड मिल गई, और अब हम इस पर बैठेंगे। तो अब हम इस पर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें रास्ते में आती हैं। तो आई साइकिल चलाते हुए, तो ये मेरी बैल दिखाऊँ ना। लेकिन ये मेहनत है इस राइड में, मालिक है अल्लाह। क्या हाल होता है थकावट का। फाइनली हम लोग साइकिल चला के एक जगह पर पहुंचे, तो यहाँ पे पूरा ये व्यू है जो कनाडा का, अक्सर आप पिक्चर में देखे होंगे। मैंने क्रूइंग का नहीं लिया क्योंकि मैं अकेली इतना नहीं कर सकती। तो रीजन में एक राइड ही सही है, क्योंकि साइकिल पे काफ़ी मेहनत है, काफ़ी उसको पैडल्स पर चलाने में फोर्स लगानी पड़ रही है। यही है कि आपको सारा यहाँ पे बहुत स्वास्थ्य नजर आ रही है, और उसके साथ उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत प्यारा लग रहा है। तो
यकीन है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम गुजरते हुए मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा तुम यहाँ भी देखे, तो ये सारी पीछे डाउनटाउन की बिल्डिंग्स हैं और ये सारी वो कश्तियाँ वगैरह हैं। पता नहीं ये कहाँ चलती हैं, कैसे चलती हैं, ये भी रेंट पे चलती हूँ। कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। क्यों? तुम यही रहो, तुम जो हो ना बस फिल्मिंग में लगी हुई और कुछ नहीं कर रही हूँ। अम्मी रुक जाएं। तो ये यहाँ का मेन सीन है, यानी कि पूरा सीन जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं यहाँ पे। और यहाँ का पानी देखिए कैसा है। क्यों गई है पानी में? बस चली गई यार। अम्मी आपको कैसा लग रहा है ये सीन? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पॉप क्विज। वो क्या होता है पॉप क्विज? पॉप क्विज क्या? ये कौन सा आइलैंड है? ये क्या बताऊं? ये सेंट्रल आइलैंड है? नहीं, थाउजेंड आइलैंड तो नहीं है ये। नहीं, मुझे नहीं पता सेंट्रल आइलैंड की कौन सी जगह है। आई डोंट नो। वोट्स आइलैंड। कौन सा? वोट्स आइलैंड। वोट्स WARDS वोट्स। वोट्स आइलैंड। अच्छा मुझे क्या बताओ, सेंट्रल आइलैंड है उसमें ही है ये जो। चलो मुबीना आ जाओ, तुम भी क्या याद करो। ओके आ जाओ। ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो वो साइकिल चला चला के थक गई, ऐसे थोड़ा देर ऐसे चलाऊंगी ताकि मेरी टांग को थोड़ा आराम मिले। अभी थोड़ी देर बाद कर दूंगी। ओह एक्सरसाइज है मुकम्मल। अब हम सेंट्रल लैंड पे हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट है, ऊपर जाएंगे हम इसके ऊपर। और क्या कहते हैं मुबीना इसको? बोर्ड वॉक जो मुबीना ने कहा है तो वही कहते हैं। और यहाँ से हम लोग अब खाना खाएंगे जो हम फूड लाइन में वहाँ खाएंगे। तो ये मैं लेके आई हूँ बर्गर बना के पिकनिक के लिए। ये आसान चीज रहती है, इस तरह मैं ये ले रही हूँ। और ये मैं लाई हूँ इसके ऊपर डालने के लिए सॉस। शीशे नहीं लाई क्योंकि मैं कम से कम चीज़ें ये लेती हूँ ताकि हमें ना उठानी पड़े और वापसी में हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारे पास कोई बदल ना हो। इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थोड़ा सा कट किया और इसको मैं पकड़ के ये शहर की मिट्टी भी आ गई है यहाँ पे। ये थैंक यू। हम इसको खा के देखते हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं अपनी फेरी का। हम लोग घूम कर आ गए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। तो अच्छा रहा यहाँ का टूर, तो यहाँ बस हमने एक ही राइड ली। अब हम इस फेरी में बैठ के जाएंगे। पहले हम वो दूसरी टैक्सी में बैठ के ऐसे बैठ के जाएंगे तो फिर हम आपको बताते हैं आगे। फाइनली हम बोट में आ गए जो मेन फेरी है यहाँ की। और ये देखिए ये टैक्सियाँ चल रही हैं, इनको टैक्सियाँ कहते हैं। और जिसमें इस वक्त मैं हूँ ये फेरी है। तो फाइनली हम जा रहे हैं, हमारी फेरी चल रही है। तो अब देखते हैं आगे कब तक पहुँचते हैं। तो यहाँ से और भी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने तो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी चलो वो लोग भी देखें अगर कभी। अब हम आगे हैं फेरी से, अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक किसी ब्लॉग के साथ आपके सामने आपको लेके आऊंगी किसी नई जगह पर। तो तब तक के लिए जाना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं बोल दूँ एडिट कर दूँ? हाँ। तो आज जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब, अस्सलाम वालेकुम, हाय, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।